नमस्कार, मैं हूँ आरती। आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। आइए देखते हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबर एक नजर कोहराम झटपट। अलंकरण परेड में सीएम हेमंत सोरेन ने 57 पुलिस पदाधिकारी और जवानों को किया सम्मानित। बोले, पुलिस जवानों का मनोबल हमारी ताकत। पलामा में भाजयुमो जिला कोषाध्यक्ष सुमित श्रीवास्तव की हत्या। धारदार हथियार से कनपट्टी में गोद कर मार डाला। जमशेदपुर के एमजीएम में नाबालिग युवक ने किया सुसाइड अटेम्प्ट। भाई की साली से करना चाहता है शादी। धनबाद के झरिया में पुलिस चेक पोस्ट के पीछे मिला युवक का शव। छानबीन में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के गोपाल नगर के घर से निकला 8 फीट लंबा अजगर, रेस्क्यू कर दलमा के जंगलों में छोड़ा गया। चतरा के सिमरिया में स्कूल से घर लौट रही छात्रा से दुष्कर्म। ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ पुलिस को सौंपा। 1 करोड़ के इनामी माओवादी प्रशांत बोस और पत्नी शीला मरांडी की कराई गई मेडिकल जांच, भेजे जाएंगे जेल। जमशेदपुर के बागबेड़ा में चोरी की बाइक के साथ युवक गिरफ्तार, भेजा गया जेल। गया में नक्सलियों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को फंदे पर लटकाए। घर में मारा बम, पर्चा भी चिपकाया। पटना के दानापुर में एक घर में फटा बम, 2 महिला समेत 4 जख्मी। पड़ोसी घरों की खिड़कियों के भी शीशे टूटे। जहानाबाद के चर्चित सुनील मस्ताना हत्याकांड का खुलासा। अवैध संबंध के कारण प्रेमिका के बेटे ने मारी थी गोली। पटना में सेना का जवान गणेश कुमार अरेस्ट। पाकिस्तानी महिला को देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां देने का आरोप। बिहार के मोतिहारी में कार पलटने से 4 युवकों की दर्दनाक मौत। बहन के यहाँ गए थे नेपाल। बक्सर के करहंसी पंचायत की मुखिया बने दिग्विजय सिंह की बेवा रंभा देवी। चुनावी रंजीश में पति का हुआ था मर्डर। पटना सिटी में जमीन कारोबारी सूरज झा की गोली मारकर हत्या। ठेले के नीचे मिला शव। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की एक बार फिर बड़ी मुश्किलें। 1,51,00,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। अब 2 की जगह 5 साल होगा ईडी और सीबीआई चीफ का कार्यकाल। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित लालबाग मंदिर के पास सिलेंडर ब्लास्ट, 17 लोग घायल। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी बोली, किसी पार्टी से नहीं करेंगे गठबंधन। इंदौर के खंडवा आ रही सीमेंट बस गवंसिया के पास पलटी, दर्जनों यात्री घायल, 1 की मौत। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।